जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सृष्टि के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मानना इस संसार की विवशता है, और जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है दुनिया तीन चरणों से जरूर गुजरती है। पहला चरण होता है कि उस प्रक्रिया का परिहास उड़ाया जाता है, यानी मजाक बनाया जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अंदर उसका विरोध होता है, और तीसरी प्रक्रिया के अंदर अंततः स्वीकृति प्रदान की जाती है। यही तीन परिवर्तन के दौर हैं जो इस संसार के अंदर काम करते हैं। हम किसी भी कालखंड को उठाकर देख लें, परिवर्तन इन्हीं तीन दौरों से जरूर गुजरा है, और वर्तमान के समय के अंदर हम भी इस संसार को तीसरी प्रक्रिया के अंदर से गुजरता हुआ देख रहे हैं। ये एक ज्योतिषीय आकलन है जो बहुत ही गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, और इस आकलन को करने के लिए ज्योतिष के कहंतम सूत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम इस विधा के द्वारा वर्तमान के अंदर भविष्य के परिवर्तनों को सहजता के साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, विरोध के स्वर जो आप देखते हैं, ये परिवर्तन के दूसरे दौर का अंतिम पड़ाव है, और ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, यानी विरोध का ये दौर देख रहे हैं, ये अभी अक्टूबर तक जरूर चलेगा, और इसके पश्चात आप इस संसार के अंदर मौन स्वीकृति, सार्वजनिक स्वीकृति और पूर्ण समर्पण भी अवश्य देखेंगे। यानी अक्टूबर तक विरोध के स्वर पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज होंगे, हर क्षेत्र में होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे, राजनीतिक क्षेत्र में होंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, हर तरफ से आपको विरोध के स्वर जरूर देखने को मिलेंगे अगले 6 माह, और ये दूसरे दौर का अंतिम पड़ाव होगा, और इसके बाद तीसरा दौर शुरू होगा परिवर्तन का, और वो होता है अंततः स्वीकृति। और ये चीज हर कालखंड में हुई है। अगर मैं आपसे कहूं महाभारत काल में, तब भी ऐसा हुआ था, जब पांडवों ने दुर्योधन के सामने 5 गांव की बात रखी थी तो वहां परिहास उड़ाया गया था, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो फिर विरोध का स्वर भी हुआ, और अंततः उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। यानी ये तीन दौर हमेशा से चलते आए हैं, चलते रहेंगे। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर हर युग के अंदर इसी तरह से परिवर्तन का दौर चला है, और वर्तमान के अंदर भी ये जो दौर है ये अंतिम अपने चरण में, तीसरे चरण में प्रवेश करने वाला है, और अक्टूबर के बाद में आप इस संसार के अंदर किसी एक विचारधारा को लेकर, एक प्रक्रिया को लेकर के धीरे धीरे स्वीकृति का दौर बढ़ता हुआ देखेंगे, और अगले 2 साल के अंदर, यानी अक्टूबर 2023 के बाद अगले 2 साल ये दुनिया किसी एक विचारधारा, किसी एक संस्कृति पर एकमत होती हुई नजर आएगी, और ये परिवर्तन भी हम देखेंगे, और ये सुखद परिवर्तन भी होगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ घटनाएं और भी घटित होंगी जो इस परिवर्तन को अंतिम रूप देगी। इसीलिए तीन प्रक्रियाओं से संसार को हमेशा गुजरना पड़ता है। जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है, पहले परिहास होता है, फिर विरोध होता है, और अंततः स्वीकृति होती है, और ये दुनिया दूसरे पड़ाव के अंतिम छोर पर है, और अब तीसरे में प्रवेश करने जा रही है। दर्शकों, ज्योतिष का एक गूढ़ रहस्य है जिसका आकलन मैंने करके आपको दिया है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि 9 ग्रह संसार में अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और 9 ग्रह का प्रभाव 800 करोड़ लोगों पर, पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो इस कैलकुलेशन को समझिए, ये कितनी विस्तृत होगी, और इसमें कितने सारे पैरामीटर हैं जिन पर यदि हम अलग अलग दृष्टि से अनुसंधान करें तो संसार के न जाने कितने रहस्य हमारे सामने जरूर आते हैं। इसीलिए दर्शकों, जब भी कोई नई बात मेरे सामने आती है, रिसर्च करते समय मैं आप लोगों के सामने वो बात जरूर रखता हूं, कोशिश करता हूं कि साधारण शब्दों में वो बात आपके सामने रखूं, ताकि आपको इस विधा का लाभ अवश्य मिले। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।